Assalamualaikum। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज लेकर आए हैं चिक्की की रेसिपी, एकदम मार्केट जैसी बनाएंगे, बिल्कुल इजी है। इसको बनाइए जरूर, घर पे ट्राई करिए। इसको देखिए, हम रख दिए हैं मूंगफली का दाना, ये देख रहे हैं मूंगफली का दाना है, वो सूखा वाला जो होता है वो हम लिए हैं। इसको अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, बस डाल के इसको अच्छे से हम इसको भूनेंगे। 2 से 3 मिनट इसका टाइम लगेगा, ये देख रहे हैं। जैसे आप इसको मुस्तकिल चलाते रहिएगा, ये देख लीजिए, क्योंकि ये हो जाएगा हल्का लाल, आपको पता चल जाएगा कि हमारा हो चुका है दाना। ये देखिए, ये देखिए अभी नहीं हुआ है। ये दाना कौन सा लेंगे आप, ये मूंगफली का दाना बड़ा वाला लेंगे, छोटा वाला नहीं लेंगे। छोटा वाला तेल वाला होता है, क्योंकि उससे फिर चिक्की नहीं बन पाएगी। ये ठीक है, अब ये देखिए हम ले चुके हैं। ये मेरा बस होने ही वाला है, बस 2 मिनट और लगेगा। ये देख रहे हैं, जैसे आप अब इसको हम भून ही रहे हैं, आप इसे हाथ से चेक कर सकते हैं हो चुका है कि नहीं हुआ है। इसका ये है कि हो जाएगा, इसका जो छिलका होता है वो निकल जाएगा, उसको हाथ से रगड़ेंगे तो निकल जाएगी। हम ऑफ कर दिए हैं, ये हो चुका है। ये देखिए, ये अब कपड़े से हम थोड़ा रगड़ेंगे, अभी गर्म है क्योंकि अभी छिलका एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ पाएगा, थोड़े ठंडे पे ये अच्छे से पूरा निकल जाएगा। ऐसे हाथ से रख, पतीली चढ़ा दी, पतीली में वो हम गुड़ डाले हैं, फिर इसमें डालेंगे 1 प्याली हम शक्कर डालेंगे। शक्कर क्यों डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी चिक्की बनेगी ये। फिर थोड़ा सा हम 2 टीस्पून पानी डालें इसमें और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और एकदम मार्केट जैसे बनने वाली है। इसको आप आखिर तक देखिए और आगे हम कैसे बनाते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ी सी आज हम तेज कर लिए हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बस 1 सेकंड के लिए हम तेज किए थे, फिर हम धीरा कर लिए हैं। ये देख रहे हैं गुड़ मेल्ट हो रहा है अच्छे से। एकदम क्रिस्पी होती है, मुंह में बिल्कुल नहीं चिपकती है। एक बार जरूर ट्राई करिएगा इस वीडियो से, मेरी वीडियो देखकर, तो ही आपको पता चलेगा वाकई ये रेसिपी बहुत ही जबरदस्त है। ये देखिए, फिर एक तरफ हमें इसमें ढक्कन पे घी लगा के हम रख लिए हैं पहले से, ये जैसे आप देख रहे हैं। आपके पास बटर पेपर है तो आप उस पर भी कर सकते हैं, पर हमारे पास नहीं था तो हम इस पे ही करके रखे हैं। ये देखिए, ये गुड़ पक रहा है और आगे हम बताएंगे आपको कैसे चेक करना है गुड़ हुआ है कि नहीं हुआ। फिर इसमें हम थोड़ा सा क्यूड़ा डालेंगे, क्योंकि क्यूड़ा डालने से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए, हम चलाते रहेंगे इसको लगातार, और जैसे गुड़ होगा वैसे गुड़ का कलर चेंज होता रहेगा। आपके पास गुड़ डार्क है तो डार्क कलर आएगा, लाइट है तो लाइट कलर आएगा, जैसा गुड़ है वैसा कलर आएगा चिक्की का। ये देखिए, इसको हम लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि ये धीरी आंच है, धीरी आंच पे रखिएगा, आंच बिल्कुल तेज मत करिएगा क्योंकि गुड़ जल जाएगा और बन नहीं पाएगी। इसको लगातार बस चलाते ही रहना है हमको। ये देखिए, हम थोड़ा सा पानी लेकर तो उसको चेक करेंगे पानी में। ये देखिए, नहीं अभी नहीं हुआ है क्योंकि ये फैल गया है। इसको फिर हम चलाते रहेंगे। बहुत ही थोड़ी मेहनत लगती है, बहुत ही टेस्टी, एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है। ये देखिए, इसको हम लगातार चला रहे हैं। ये देखिए, हाथ से भी चेक किए पर अभी नहीं हुआ है, थोड़ा और टाइम लगेगा इसको। बस इसको बीच बीच में हमको चेक करते रहना हुआ है कि नहीं हुआ है।
ये देखो हम फिर चेक कर रहे हैं, ये देखिए नहीं हुआ है। फिर 2 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, ये हो चुका है, ये परफेक्ट हुआ है। इसको थोड़ा से एक कसर रहेगी डाल के, फिर थोड़ा से ये मूंगफली दाना डाल के थोड़ा से चला देंगे इसको 1 मिनट के लिए इसके साथ। ये जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, बस अब हम चूल्हा बंद कर दिए हैं। ये देखिए बंद कर दिए हैं। बस अब फौरन हम निकाल लेंगे जो ढक्कन पे घी लगा के हम रखे थे, उसमें हम फौरन लगा लेंगे। ये देखिए हम बस निकाल लिए हैं, इसमें पूरा हम साफ कर लिए हैं। ये देखिए अब इसको अच्छे से हम फैला लेंगे। आपके पास बटर पेपर है उसको इसके ऊपर रख के अच्छे से कर ले, हमारे पास नहीं था तो हम ये पॉलिथीन का भी यूज़ किए हैं। फिर अच्छे से इसको रोल कर लीजिएगा, ये देख रहे हैं इसको इसे दबा लीजिएगा ये बेलन की मदद से, ये अच्छे से शेप आ जाएगा इसका। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए फिर ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। फिर हम इसका ये पॉलिथीन ऊपर से निकालेंगे धीरे धीरे, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। फिर इसका बर्तन ना कैसे धुलिए, इसको पानी में भिगाकर सब बर्तन रख दीजिएगा पानी में चम्मच और पतीली। फिर 5-10 मिनट के बाद वो खुद ब खुद पूरा साफ हो जाएगा, निकल जाएगा, बर्तन आपका क्लीन हो जाएगा, बहुत ही ईजी साफ होता है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, गुड़ चिपक गया कैसे धुलेंगे, बहुत ईजी साफ होता है। ये देखिए अब हम कट करेंगे, थोड़ा सा गुनगुना पे कट करेंगे, थोड़ा सा हल्का गर्म होगा तो ही हम कट करेंगे, क्योंकि एकदम ठंडे पे करेंगे तो एकदम कड़ा हो जाएगा तो कट नहीं हो पाएगा। ये देखिए हमारा सारा कट हो रहा है, बहुत ही इजी तरीके से कट हो रहा है। ये जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ये देख रहे हैं हो चुकी है, ठंडी भी हो चुकी है, एकदम क्रिस्पी हुई है, बिल्कुल मार्केट जैसी होती है क्रंची वैसी ही हुई है। ज़रूर इसको ट्राई करिए, मेरी वीडियो देख के जैसे हम बनाए हैं वैसे ही बनाइएगा। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।